Hello everyone, myself Konica Council welcome you all on Testbook Super Coaching। So ये आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जहां पर हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जी, आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वेदर आप अकाउंट्स के कर रहे हो, बिजनेस फाइनेंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ये तीन ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जिनका मैथ्स वीक है, जिनको लगता है कि हम प्रैक्टिकल से घबरा जाते हैं, तो वो इस सीरीज को डेली जरूर करिए फॉलो। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उस पे किस तरह का फॉर्मूला हमने एप्लीकेबल करना है। ठीक है जी। सो अब न्यूमेरिकल का डर अगर खत्म करना है तो इस सीरीज को आपने जरूर फॉलो करना है। सो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहले ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप पहले क्या करना है, इसको रीड करो और अपना ट्राई करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो कि क्या मैं अपने तरफ से कुछ सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मुझे क्या लगता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे क्या लगता है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले आप इसको थोड़ा सा एफर्ट करो, फिर इसका सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिया है, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसको ट्राई करो। ठीक है जी। जब आप ट्राई करके आंसर देखोगे कि क्या आपका ए है, बी है या सी है या डी है, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। ठीक है जी। चलिए, सो पहले हम इसको स्टेटमेंट को समझते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 2 लाख का है, एक व्यवसाय में नियोजित पूंजी 2 लाख रुपए की है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15% का रिटर्न है। सो कहते 2002 में जो प्रॉफिट अर्न्ड करा है वो 48,000 है। सो आपको गुडविल निकालनी है 3 सालों के लिए अगर आप सुपर प्रॉफिट पे परचेज करते हैं। सो पहले तो ये क्वेश्चन क्या है, सुपर प्रॉफिट का है, सुपर लाभ का है। सो इस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है जी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बट हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसी क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए सामान्य लाभ को कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। फिर हमें वो पूछा गया जी कि 3 सालों के लिए आपने निकालना है वो गुडविल। हाँ जी, 3 सालों के लिए हम निकाल देंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन छोटा सा है पर उसमें 3 तरह के हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सबसे पहले जी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें गुडविल के लिए ये सुपर प्रॉफिट चाहिए है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे हम करेंगे, सो पहले देखिए जी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना है। सो इस क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट अर्न्ड 48 है, यानी कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 48,000 का। ठीक है जी। अब इसमें से अगर हमने नॉर्मल प्रॉफिट करना है, सो नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ निकालने का हमें क्वेश्चन में गिवन है जी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का है, और इसमें से कितना नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, 15% का नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। सो 15 × 2 = 30, आप कह दीजिए जी 30,000 आपका नॉमिनल प्रॉफिट हो गया है। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। वो क्वेश्चन कैसे हुआ जी, हमें एक्चुअल प्रॉफिट 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी आपने निकाला 30,000 का। कैसे निकाला जी, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15% आपने लगा दिया, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया जी, 18,000 आ गया है। राइट। सो अब गुडविल निकालनी है। 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस कितने हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स, ठीक है जी। तो हम 18,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 18 × 3 = 54। आ गया आपका आंसर ए ऑप्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। अब पेपर में ये 3 फॉर्मूलाज आपके बेस हैं कि व्हाट इज द गुडविल, 3 साल के बेस पर सुपर प्रॉफिट कितना है, दैट्स इट। हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना था, उसके लिए नॉर्मल निकालना पड़ा, क्वेश्चन में गिवन था एंड हमने इसको फॉर्मूला में एप्लीकेबल कर दिया है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। आई होप कि जो आपने पहले ट्राई करा था एंड जो आपने अब इस क्वेश्चन को समझा है, वो आपका वो गैप है वो इस क्वेश्चन में फिल्ड हो गया है। सो सुपर प्रॉफिट, ये देखिए हमने बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करी है जो आपका फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। सो यही था आपका एक डेली जो आपका न्यूमेरिकल सेशन हमारा चलेगा, जिसमें हम डेली बेस पर कुछ कुछ क्या करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा जी, बूस्ट अप होगा एंड आप डेफिनेटली उसमें 100% अपना दे पाएंगे। राइट? सो दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। Thank you.